हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बनाते हैं आज नारियल का लड्डू। और नारियल का लड्डू बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे डेसिकेटेड कोकोनट, मिल्क पाउडर, 1 कप मिल्क। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, और देसी घी डालने के बाद उसमें 1 कप सादा दूध, गाय का या जो भी दूध हो आपके पास वो डाल देंगे, और डाल के मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 कटोरी के लगभग मिल्क पाउडर डाल देंगे, जो नेस्ले कंपनी का हम लिए हैं, तो उसे डाल के और अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसे मिक्स करने के बाद जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गाढ़ा होने लगे, देखिए इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठली पड़ जाएगी। और जब ये गाढ़ा होने लगे तो इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे, और डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। और उसे डाल के अच्छी तरह से चलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए मेरा बर्तन थोड़ा छोटा हो गया है, हमको लग रहा था कि हो जाएगा इसी में, तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे बनाने के समय, तो थोड़ा सी दिक्कत हो रही है। और एक तरफ हम 1 कटोरी के लगभग चीनी लिए हैं, उस चीनी को पीस लेंगे। और पीसने के बाद ये जो मिल्क पाउडर और कोकोनट मिलाए हैं उसी में ये चीनी मिला देंगे, और मिला के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये मिक्स हो गया है, थोड़ा सा नीचे से पकड़ भी लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और बाउल में निकाल के देखिए थोड़ा थोड़ा पकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बाउल में निकालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ 2 से 3 इलायची कूट के लिए हैं, और उस इलायची को हम इसमें डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। दूसरी तरफ हम 10-12 बादाम है जो काट लेंगे, लंबा लंबा काट लेंगे, और काट के इसे अलग रख देंगे। अब हम हाथ पे हल्का सा घी, देसी घी लगा लेंगे, और घी लगाने के बाद मनचाहे आकार में लड्डू बना लेंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके बाद से हम इसे कोकोनट से कोट करेंगे, इस पे लगा देंगे, और देखिए कितने अच्छे से ये बन गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बनाना है तो आप भी बनाइए, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत हेल्दी भी होती है। तो उसके बाद ये देखिए सारे लड्डू बन गए। अब हम इसे सजाने के लिए ऊपर से 1-1 बादाम जो है काट के रखे थे उसे इसको सजा देंगे, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।